प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया खान जी, जो कि अपना दमदार और बेबाक रिएक्शन देंगी बधाइयों केस के ऊपर। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। और 5,000 रुपया भी दीजिएगा। भाभी जी ने बेचारी माँ के स्वरूप, भाभी जी क्योंकि उम्रदराज है वो, उन्होंने 5,000 रुपया भी दिया और छोटे बेटे से पानी वगैरह उन्होंने ऊपर भिजवा दिया। और जैसे ही दोनों भाई, दो छोटा बच्चा, एक 6 साल का और एक 11 साल का, जैसे ही वो ऊपर छत पर पानी देने के लिए गया, पकड़ करके उसकी बोटियां कर डाला, बोटियां कर डाला। भारत संविधान से चलेगा और आज से नहीं, ये बात तय हो चुकी थी, 26 नवंबर 1949 को ही तय हो चुकी थी। तो जितने भी ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसको खत्म करने की जरूरत है। और ये जितने भी ला रहे भाषमी है या जितने भी ये जावेद और साजिद है, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत भी चौराहे पर 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए। जितने भी मजहबी प्रीचर हैं उन सबको बैन कर दिया जाए, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है। तो फिर ऐसा मतलब सुनने में या देखने में लगेगा कि हाँ भाई सबके लिए इक्वल। शोएब, आप मुझे, मैं ये बोल करके खत्म कर दूंगी, आप मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां पर आपको ये पता चला कि हिंदू लड़कों ने जाकर के किसी मुसलमान बेटी का पजामा जबरदस्ती खोल दिया। चलिए बता दीजिए। नहीं, मुझे इस टाइम तो बिल्कुल नहीं पता। हाँ मैं ये भी नहीं लेकिन कह सकता कि भाई कहीं है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा कहीं ना कहीं। तो आप क्या इस चीज को एग्री करेंगे कि भाई आज तक ऐसा हुआ नहीं? मैं बता देती हूँ। कुछ कुछ साल पहले ट्विंकल नाम की एक छोटी सी बच्ची थी जिसके जिसका जिसको काटा गया था बोटियों में। इस्लामिक प्रीचर थे जाहिद और असलम, जिन्होंने काटा था अलीगढ़ के, यूपी उत्तर प्रदेश का ही ये था। इसकी पहले आंखें निकाली गई थी, फिर दाहिना हाथ काटा गया था, फिर बायां पैर काटा गया था, फिर रिब्स की एक एक हड्डियां निकाली गई थी और फिर इसका नाक काट दिया गया था। ये है वो बच्ची। इसका गुनाह क्या था आपको पता है शोएब? इसका गुनाह था क्योंकि ये हिंदू है। देखो, डिप्लोमेट बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं, क्रिश्चियन बात करने की जरूरत है। ये अगर भी मैं तो ओपनली कहता हूँ, मुझे तो इसमें कोई चीज। मैं उसकी माँ से भी बात करूंगी। हो सकता है कि आज रात तक ही मैं कर लूं, तो मैं तो उनसे यही पूछूंगी कि अगर बीच में आया कैसे। हाँ, अगर इंटरनेशनल अगर अफेयर्स की बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, इस टाइम पे वेस्टर्न मीडिया खासतौर पे इंडियन नेवी की तारीफ करता नजर आ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन नेवी ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों की जान बचाई, ईरान के लोगों की जान बचाई, सोमालिया के डाकुओं को, समुद्री लुटेरों को इस टाइम परेशान किए हुए है इंडियन नेवी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान की बात होती है, इंडिया की बात होती है, तो एक चीज सबसे पहले कही जाती है कि भाई इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इंडिया में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है, इंडिया में मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोका जाता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बकायदा रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ के इंडियन मुस्लिम दुआ मांगते नजर आ रहे थे, अपनी इबादत करते नजर आ रहे थे। और मेरे लिए ये हैरान करने वाली बात इसलिए थी कि शायद पाकिस्तान में आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि रेलवे ट्रैक के ऊपर बकायदा बैठ के एक बड़ी तादाद में, बड़े मजमे की सूरत में मुसलमान बैठे और वो अपना नमाज पढ़े या इबादत करें। सड़क पे कहीं ना कहीं नजर आता है लेकिन ट्रैक पे नहीं। बट हिंदुस्तान में वो भी चीज देखने को मिली। और एक अफसोसनाक खबर जो कि बहुत ज्यादा लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि इस चीज के ऊपर भी बात की जाए, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में मुस्लिम कैसे हैं, इंडिया में मुसलमान किस आजादी से या किस तरीके से रहते हैं। और वो है बदायूं केस। और बदायूं केस के बारे में जब मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मतलब बहुत दुख हुआ कि रमजान के महीने में, और मतलब जिसमें यह कहा जाता है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, उस महीने में भी अगर ऐसी खबर आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है, डेफिनेटली बहुत अपनी ब्लंट ओपिनियन रखती हैं, अनबायस और रैशनल बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम।
नादिया जी, ये चीज आपको भी आइडिया होगा और डेफिनेटली मुझे भी पता है कि रमजान के महीने में कहा जाता है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है और इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, और इबादत और नेकियों का, इंसानियत को खुश करने का महीना होता है। लेकिन इसी महीने में बदायूं केस इंडिया में सामने आया, और वैसे तो ये आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि बहुत जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, आप थोड़ा सा इस केस को एक्सप्लेन करिएगा। शुएब, आज बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, 13 साल के बेटे की माँ हूँ, और 11 साल के किसी माँ के बेटे को और 6 साल के बच्चे को बोटी बोटी काट करके जिस हिसाब से जावेद और साजिद ने उनकी बोटियां बनाई हैं, मतलब मैं जब न्यूज पे थी ना तो मेरी आंखें पूरी भर गई थी, मेरा कलेजा दहल गया था कि कैसे कैसे कोई मतलब मासूम बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। शोएब, हम मुसलमान जब माएं जब लड़ बेटियां जब प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चा हम कोख से जनते हैं तो हमारे यहाँ क्या क्या कहा जाता है कि ये फरिश्ता है, तो क्या दूसरे धर्मों की माएं जब कोख से बच्चा जनती हैं तो उनके बच्चे फरिश्ते नहीं होते हैं क्या? कैसे काट दिया, कैसे मार दिया? आपने अभी बताया कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है, इस पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, कहीं यहाँ के मेड इन इंडिया की तारीफ हो रही है, कहीं नेवी की तारीफ हो रही है, कहीं इकोनॉमिक्स की तारीफ हो रही है, कहीं जीडीपी की तारीफ हो रही है, कहीं मोदी जी की तारीफ हो रही है, कहीं डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ हो रही है, कहीं हमारे बायलेटरल रिलेशन की तारीफ हो रही है, पर भारत के मुसलमान वही के वही अटक चुके हैं, वही अटक चुके हैं। आपको पता है शोएब, मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहती हूँ कि पुलिस ने क्या क्या सीज किया है। पुलिस ने चापड़ सीज किया है, पुलिस ने रमजान के इस मुबारक मुकद्दस महीने में दारू सीज किया है, शराब, शराब की बोतलें। उस घर में एंटर किया था जावेद और साजिद ने, इस छोटे छोटे आयुष और आहान की माँ से 5,000 रुपया मांगने के लिए और पानी पीने के लिए बहाना बनाया था जावेद और साजिद ने कि भाभी जी दारू पीना है, आपके छत पर पिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आपके छत पर बैठ करके थोड़ी देर हवा खाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे अपनी बीवी का डिलीवरी करवाने के लिए, और 5,000 रुपया भी दीजिएगा। भाभी जी ने बेचारी माँ के स्वरूप भाभी जी, क्योंकि उम्रदराज है वो, उन्होंने 5,000 रुपया भी दिया और छोटे बेटे से पानी वगैरह उन्होंने ऊपर भिजवा दिया, और जैसे ही दोनों भाई, दो छोटा बच्चा, एक 6 साल का और एक 11 साल का, जैसे ही वो ऊपर छत पर पानी देने के लिए गया, पकड़ करके उसकी बोटियां कर डाला, बोटियां कर डाला। छोटे वाले आयुष की आवाज को सुन करके चीखने की, जैसे ही बीच वाला बेटा ऊपर चढ़ा तो उसका भी मुंह पकड़ करके चापा, पर साजिद के पैर में कांच लग गया और कांच के लगने की वजह से वो उलझा और वो बीच वाला जो बच्चा था छोटा 9 साल का वो भाग निकला, फिर भी चाकू फेंक करके मार करके उसका दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया, पूरा कट गया। आप सोचो शोएब के ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? और आपके यहाँ अवैधी कबूतर के द्वारा मैसेज भेजता है कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। भाई मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो इस्लामिक देश में रह रहे हैं, मैं तो हिंदू राष्ट्र में रह रही हूँ, हमारे मेरे आसपास तो पूजा होती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रेलवे ट्रैक क्या पाक जगह है? रेलवे ट्रैक क्या नहीं, मुसल्ला बिछाने की जगह है? रेलवे ट्रैक पर क्या हमारी नमाज हो सकती है? रेलवे ट्रैक पर क्या तहलीमा बांधा जा सकता है? क्या रोड पर जब लोग चप्पल पहन करके चलते हैं वहां पर मूत देते हैं, वहां पर हक देते हैं, वहां पर दारू पी करके सो जाते हैं, वहां पर थूक फेंकते हैं, वहां पर गंदे कचड़े फेंके जाते हैं, वहां पर मुसल्ला बिछाया जा सकता है हमारे इस्लाम की तरफ नहीं। से? हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि तुम कहीं पर भी रोड पर तुम मुसल्ला बिछा लो, जानमाज बिछा लो, तुम रेलवे ट्रैक पर बिछा लो, तुम ब्रिज पर बिछा लो, ये हमारा इस्लाम क्या इजाजत देता है? क्या क्या करना क्या चाहते हैं भारत के मुसलमान? और देखिए देखिए अवेसी का हरकत और बुखारी का हरकत और नादिया जी, कांग्रेस इधर का ही हरकत, मैं एक भी ट्वीट नहीं किया। ये क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बकायदा तौर पे रेलवे ट्रैक है, मतलब ये भी नहीं प्लेटफॉर्म नहीं है, रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मुस्लिम हमें जो है वो इबादत करते नजर आ रहे हैं, और ये हिंदुस्तान का ही है। मुझे वहां से एक बहुत ही अजीज ने, एक वो बल्कि मीडिया से ही है, उन्होंने ये भेजा है। तो ये देखिए, यहाँ पे
मुसलमानों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब वो किसी भी कंट्री के मुस्लिम है, मैं ये नहीं कहता इंडिया के या पाकिस्तान के, मैं सवाल पूछना चाहूंगा, कहना भी कुछ नहीं चाहूंगा कि क्या जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन में जो टॉयलेट होते हैं, जो वॉशरूम होते हैं, उनका जो भी गलाजत होती है, जो गंद होता है, वो कहाँ पे जाके गिरता है? वो इसी ट्रैक के ऊपर गिरता है, और फिर हम अगर उसी के ऊपर बैठ के जायनमाज बचा के मुसल्ला बचा के इबादत करेंगे तो क्या वो मतलब जायज है इस्लाम में? ये मेरा सवाल है, जितने भी मुसलमान पाकिस्तान से हिंदुस्तान से देख रहे हैं, सिर्फ सवाल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा करें ना करें, वो आपका एक अपना फेल है, अपना काम है। नादिया जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आप तो डेफिनेटली इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। ये पश्चिम बंगाल के रेलवे ट्रैक पर नमाज पढ़ी जा रही है और ये पूरे भारत में वायरल है। इवन ईरान और तुर्किस्तान में भी ये वीडियो वायरल है और वो लोग भी थूक रहे हैं भारत के मुसलमानों पर कि ये तो इस्लामिक कंट्री में भी नहीं होता है। ये वीडियो कोई ढकी छुपी नहीं है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ चुका है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के रेलवे ट्रैक का ये वीडियो है और पूरे दुनिया में मतलब तेजी से वायरल हो रहा है और मुस्लिम ममालिक थूक रहे हैं भारत पर कि भाई ये तो हमारे हमारे मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज और इनका इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी नाज़िया खान जी ने बदायूं केस के बारे में आपको काफी कुछ बताया और पूरी डिटेल से समझाया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।